गया केक, केक आ गया केक, सही टाइम पे कैमरा ऑन हुआ है। तो गाइस ये देखिए आप जा रहे हैं, सब लोग गुब्बारे फुला रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कितने प्यारे लग रहे हैं ना, ये खुद से फुला रहे हैं। ग्रे कलर का है और ब्लू कलर का है और यहाँ पे रख दिया जा रहा ताकि यहाँ पहले इकट्ठा हो जाए, इसके बाद फिर होता है का। यही लेकर आए हैं, कलर होता है, हाँ यही लाए हैं। तो यहाँ पे रख दिया सारा है, सारा बैलून फुलाकर फिर वहाँ पे लगाया जाएगा। हाँ ब्लू वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला है ना। तो बस चलिए आप लोगों को बैक कैमरे से दिखा, आवाज़ आ रही है, बैक कैमरे से आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे ये लोग फुला रहे हैं, ठीक है। तो गाइस ये देखिए, ये सभी लोग बैलून्स फुला रहे हैं, संतोष विक्रम और ये जो ना बैलून्स फुलाने वाला, ये इनके दोस्त का है, वहाँ से मांग कर लेकर आए थे। इन लोगों से हो भी नहीं रहा था, एक दो बार ट्राई किया नहीं हुआ, फिर उन्होंने फ़ोन भी किया अपने दोस्त को, तो शायद वो बिज़ी थे तो वो नहीं आ पाए। फिर उन्होंने ट्राई किया ना तो हो गया, धीरे धीरे कहते नहीं कि हो जाती है सारी चीज़ें। और यहाँ पर बाबू की हमने कहा एक दो फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं, लेकिन बाबू की तो मस्ती ही चालू रहती है। अभी आप खुद ही सुन लेना और देख लेना इसकी मस्ती की कैसे कर रही है। बाबू क्या है आज आपका, क्या है तुम्हारा बर्थडे है? वाओ वाओ, ये क्या करती हो, ऐसे नहीं करते हैं बेटा, ये क्यों कर रही हो? फिर मुंह से उंगली निकालो, गुब्बारा उठाओ। हम गुब्बारा उठाएं? अच्छा ये क्या है, ये क्या है? अरे क्यों 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 ये क्यों भाई, क्या कर रही हो ये बेटा, ये क्या कर रही हो? एक भी बेड पे रहने नहीं दी, देख लो आप लोग इसको। अपनी बिटिया को देख लो क्या करी है आके, सारा गुब्बारा वो देख लिया अपनी नटखट की हरकतें। और इसके बाद फिर मैं यहाँ पर आ गई, मैं फ़ोटो वगैरह नहीं क्लिक कर पाई। ये वही है जो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर रही थी, बट इसकी डिलीवरी जो थी ना बहुत ज़्यादा लेट थी, तो ऑफलाइन हमने लिया। 250 रुपीज़ में ये मिल गया है, ये लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे। और ये जो है ना वो होता है ना बैलून्स वाला, वो नहीं है, ये प्लास्टिक टाइप में है, जो टेडी बियर नहीं मिलते हैं हाथी घोड़े वाले, जो आपने देखा होगा मेला वगैरह आप जाते हो ना वहाँ पर, ये इसी तरीके का रहता है। मुझे ये नहीं पता कि ये क्या है, और इनकी नौटंकी देख रहे हैं तो सब कुछ, मतलब ये वाला इन्होंने ही फुलाया था, ये वाला इस तरीके से मुँह से आता है, इसमें एक पाइप आती है ना, बस उसी से इन्होंने फुलाया, ये देखिए इस तरीके से। और ये वाई जो है ना वो फूट भी गया था, जब भी आप इस तरह का लीजिएगा तो ज़्यादा प्रेशर मत डालिएगा वरना फूट जाएगा। तो वाई जो हमारा था ग्रीन वाला वो फूट चुका है, अभी मैं दिखाऊंगी। वो फूटने के बाद अजीब दिख रहा था, तो ये देखिए सारे जो है ना कलर हैं, मल्टी कलर है। और इसका डेकोरेशन जो ये हैप्पी बर्थडे जो लिखा हुआ है ना, ये लगाया विक्रम ने, यानी कि कविता के हस्बैंड जी ने, तो ये वाला उन्होंने ही लगाया। और पूनम जो है वो बैलून्स लगा रही हैं। सभी लोगों का अलग अलग काम था, सभी लोग अलग अलग तरीके से अपना अपना काम लिए हुए थे। और ये देखिए फाइनली लग गया, वो देखिए ना ग्रीन वाला वो फूट गया है, इसलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा है। ये ग्रीन देखिए और वो देखिए इनकी नौटंकी, तो क्या बोलूँ मैं। तो यहाँ पर ये देखिए पूनम डेकोरेशन कर रही है, सारा जो बैलून्स लगे हुए हैं ना गुब्बारे वो सब कुछ यही लगाई है। और इसके बाद हम आ गए हमारे किचन में, खाना बन चुका है, तो मैंने कहा चलो भगवान जी को अब भोग लगा देते हैं। हम नहा भी चुके थे तो मैंने कहा इससे पहले कुछ खाए पिए तो सबसे पहले भोग लगा देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा पुलाव ले रही हूँ, थोड़ा सा मटर, मटर पनीर की सब्ज़ी, थोड़ी सी दम आलू, पहले मैं दम आलू निकाल रही हूँ और इसके बाद फिर निकालूँगी मैं मटर पनीर की सब्ज़ी। कचौरियाँ बन रही हैं, हमने पूड़ी नहीं बनवाई है, सिर्फ कचौरी बनवाई है, क्योंकि जो कचौरी है ना ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, पूड़ी कम। तो ये है पनीर, कैसी लग रही बताइएगा ज़रूर, है ना। तो चलिए भगवान जी को, जो मेरी माता रानी है यानी दुर्गा माता रानी, उनको भोग लगा देते हैं। तो यहाँ पे भोग लग चुका है और ये जो मंदिर है मैंने यहीं पे रख दी है, तो कैसी लग रही है वो भी बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। गाइस अभी शाम के बज चुके हैं 6 और हालत आप देख सकते हो, सुबह से बिल्कुल भी रेस्ट करने का मौका नहीं मिला, खाना मैंने नहीं बनाया,
लेकिन इधर से उधर भाग दौड़ में ही हालत ख़राब हो गई है। और अभी बस मैं चाय बना कर लाई हूँ, ये देखिए सब लोगों को दी हूँ, और मैं आ गई हूँ अंदर थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। अब मैं जा रही हूँ चाय पीने के लिए। अगर आप लोगों को भी पीना है तो जल्दी जल्दी से आ जाइए। और केक काटने में अब ज़्यादा केक कटने में अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, कुछ ही देर है। डेकोरेशन में अभी मैं आप लोगों को थोड़ी देर में दिखा दूँगी। कहाँ से निकला है ये? अभी बज चुके हैं रात के 7 और हम लोग रेडी हो गए हैं। तो ये देखिए मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, गोल्डन कलर की है, ये देखिए कुछ इस तरीके की। बाबू भी रेडी है, और कैसी लग रही है बताइएगा ज़रूर, डेकोरेशन कैसा लग रहा है अभी बैक कैमरे से आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये गए हैं केक लेने के लिए। हाँ ठीक है। और ये रही मेरी चूड़ियाँ, कैसी लग रही हैं बताइएगा ज़रूर। और सिंपल तरीके से हम रेडी हुए हैं, सभी लोग रेडी हो चुके हैं, बस केक आने की देरी है। केक आ जाए तो सभी लोगों को बुलाया जाए, बच्चे लोगों को। तो चलिए दिखाते हैं बैक कैमरे से, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर मेरी और बाबू की मस्ती चल रही थी। बाबू को भी मैं रेडी कर ली थी, मैंने कहा चलो फ़ोटो क्लिक करवा लेते हैं। फिर प्रियांश से रिकॉर्डिंग करने लगी, वही कैमरा लिए। और ये है नीलम की बेटी, कितनी क्यूट है ना, बहुत ही प्यारी है। अभी मैं आप लोगों को मिलवा दूँगी। इसको भी मैंने कहा कि इसकी भी फ़ोटो क्लिक करवा लेते, फिर पता चला कि वो वीडियो बना रही है। तो बस बाबू कैसी लग रही बताइएगा ज़रूर। पहले तो ये हेयर बैंड लगाई थी, फिर मैंने कहा कि इसका थोड़ा सा मेकओवर भी कर देते हैं, थोड़ा सा अलग लुक कर देते हैं। और डेकोरेशन मैं चलिए आप लोगों को दिखा देती हूँ थोड़ी सी। तो ये लिखा है हैप्पी बर्थडे, और यहाँ पे जो बैलून्स लगे हैं वो सब कुछ पूनम ने डेकोरेट किया है यार, जो भी हो अच्छे से किया यार, जितना हो सकता था उतने उसने किया है, लेकिन प्यारा बहुत ही लग रहा था। आप खुद ही देखो। और फुलाया किसने है, देवर जी ने और संतोष ने, इन्होंने सबने मिलकर ये फुलाया है। बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे यार, बहुत ही खूबसूरत लगा। पहली बार हमने इतने अच्छे से सजाया अपने रूम को, है ना। तो बस बाबू भी रेडी है, सब लोग रेडी हैं, अभी सबसे मिलवा दूँगी एक बार आप लोगों को। तो ये देखिए पूनम भी रेडी हो गई है लगभग, मैंने कहा थोड़ा बहुत दिखा दो, दीदी रेडी होकर आई थी। बाबू रेडी हो रहा है, क्या लड़कों लोगों को क्या यार ऑयल वगैरह लगाना है। सोनम भी रेडी हो चुकी है, तो बस सब लोग रेडी हो चुके हैं। गाइस फाइनली सब रेडी हो गए हैं, सभी लोग सोनम पूनम दीदी तो रेडी होके आई थी, ये देखिए। और चलते हैं कहाँ, हम बाहर। कौन आया? आ गया केक। सही टाइम पे कैमरा ऑन हुआ है, अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। मनोज लोग बहुत गिरा, हमको पता है फ्रिज में रखना ही पड़ेगा। चलो ये पूनम रखा। तो बस देखिए हम सब रेडी हो चुके हैं। आदेश ये रेडी नहीं हुए हैं, जाएंगे रेडी होंगे, जाइए वो धोलिए। सुबह से आए हैं सब, लगे पड़े हैं और फ्रेश नहीं हो रहे हैं। कौन आया देखो, कौन आया है? मानसी, दिव्यांशी, हाय करो। हाय, कौन बता दो। हंस रही हो, नहीं बताओगी? बता दो कौन है बाबू। अच्छा बाबू मेरी बता देगी, देखो तुम लोग नहीं बता रही। बाबू बताओ कौन है, बताओ कौन है। प्रियांशी दीदी, ये वाली दीदी कौन? दीदी नाम तो बताओ दीदी का। मान्नी दीदी, दिव्या, प्रिया, ओ दिव्यांशी दीदी, नहीं दीदी। हाँ दिव्यांशी दीदी, मानसी दीदी, नहीं दीदी। सोनम सेल्फी ले रही है। तो चलिए थोड़ी देर से मिलते हैं हम लोग सब लोग, ठीक है। सेल्फी हो रही है, ये देखिए। मिलते हैं अभी थोड़ी देर से, रेडी वेडी होना है। हाँ इनके चक्कर में 8 बज गए, बताओ हम लोगों ने कब सोचा था और क्या सोचा था क्या हो गया। है ना, देख लो, हाँ तो कर लो। बाबू पुच्ची दे रही हो क्या, कैसे क्यों ऐसे पुच्ची दे रही हो? अच्छे दो। ऐसे पुच्ची दे रही हो, क्या है आज बाबू का बर्थडे है? केक काटेगा क्या बाबू, केक काटेगा क्या? पहले ऐसे क्यों दे रही, लिपस्टिक छूट जाएगी क्या? पापा लगा देंगे, चलो हाँ। चलो जल्दी से धोना दो, ए मार खाओ। बस जल्दी से पुच्ची दो, प्यार से प्यारी वाली पुच्ची दो।
क्या छूट जाएगा तुम्हारा पेटी छूट जाएगी। बाबू 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 हाँ करो ऐसे करो ऐसे करो करो नहीं करोगी क्या? अच्छा पूछी दे दो पूछी दे दो नहीं दे दे दो वो बड़ा वाला हैलोजन लगा दें। अभी नहीं अभी गर्मी लग रही है ठंडा करेगी अभी जब वो होगा तब। गाइस सेरा बाबू का केक और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं मेरी ये दिलों ख्वाहिश थी जो आप लोगों की प्यार और सपोर्ट और दुआओं की वजह से आज पूरी हुई। मैंने कभी सोचा था सपने में कि हाँ मैं अपने बाबू का बर्थडे ऐसे करूँगी और साथ ही साथ उसके लिए एक बार डॉल वाला केक ज़रूर मंगाऊँगी जो इस बार पॉसिबल हो पाया है और बाबू भी बहुत ही ज़्यादा खुश थे। तो प्लीज़ आप लोग अपना प्यार इसी तरीके से बना कर रखिएगा। तो चलिए फटाफट से केक को हम कट कर लेते हैं। पंखा कौन बंद कर दे बैठ जाओ नहीं दिख रहा तो नीचे 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 अभी मत चलाना क्लिप सीधी कर ये चलो उसकी क्लिप सीधी कर बाबू अरे नहीं ऊपर सीधा कर नीचे नहीं लाते ऊपर को ले जा मम्मा को चले आ जाओ इधर आ जाओ ना आ रहे हैं रुक जाओ दो मिनट बेटा क्या है तुम्हारा बर्थडे है सोना मजा पकड़े पूना कहाँ गई क्या कर रही है लो पकड़ो आएगी तो दे देना ले चाकू दे दे टोपी दे दे चाकू टोपी छोटी बाल आ गए सब ला दिए हैं आओ रख ले आ जा तू जा इतना कम से कम बाल काट के उसे मेरे तो है सही है लग तो नहीं रहा है बैठे रहो ये सब वायर कट है चलो कहां गए फोन कर ले भैया पंखा चला ही दो ना बुझ जाएगा बुझ जाएगा चलो नहीं पकड़ो ले लो बेटा बैठो चलो चलो काटो ओके धन्यवाद Happy birthday to you. बाबू खाओगे क्या? पंखा चलाना देखिए कैंडल लेके छाया फूको फूको नहीं बेटा नहीं खाने वाली चीज है कदो लगाना चाचू बुला लो चाचू बुला लो खिला दो बुला चाचू को बस चाचा आओ ना चाचा देख बुला चाचू खिला दो गाल में लगा दो खिलाओ पहले खिलाओ खिलाओ अब गाल में लगाओ लो हम नहीं लगाएंगे क्या तुम लो लो मुखो चलो बस अब किसको खिलाओगी बोला खिलाओगी अरे खिला दो खिला दो बाबू अकेले खाएगी चाचू को बुला लो बच्चों को ज्यादा पैसा ये नहीं लोगी मन्नी दीदी मेरा है तुम्हारा पीछे 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 मेरा है हाँ पीछे पीछे 1500
जल्दी खिलाओ सबको, जल्दी सबको देना। इतनी लंबी फैमिली है तुम्हारी। नहीं तो आपको खा लीजिए, भैया को बाबू लगाएगी ना मुँह में। थैंक यू बोलो। नहीं लगाएगी। खिलाओ 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 के अपने ही खाई पड़ी। क्या दो यार, पूरा हाथ भर भर दे रही है। ये है खिलाओ। आओ भाई जल्दी जल्दी से आओ। अभी दो बड़ी वाली मौसी का है। मौसी बार बार थोड़ी ना होता, तुमको दे रहा हूँ, तुम जाओ। आ जाओ कविता, थोड़ा थोड़ा खा ले पूरी फैमिली। आया कब से? आ जाने दो, जाने दो, दो जल्दी जल्दी से खाओ, खिलाओ जाओ। आज जिसको जिसको खिलाना भाई आओ, खिलाओ वालों को। नहीं खाओगी? कहाँ गई नीलम? कहाँ? वो अपने से खाएगी। उसके मन का नहीं है। अरे एक साल रखी थी ना, खिला मम्मी। खिला ले। कौन मम्मी है ये? कौन मम्मी है? जल्दी खा, टाइम नहीं है सब खाने का। सबसे लेगी, सबसे लेगी, घर वालों से नहीं लेगी। ले जाओ, खाएगी नहीं, परेशान है खुद ही। बाबू का पहले जो खाना है वो नहीं खाएगी। कलर में दिख रहा है तो। क्या है तुम्हारा? हाँ बर्थडे है। तो ये देखिए फाइनली केक कट चुका है, और यहाँ पे ये हैं जीजा जी यानी कि नीलम के हस्बैंड, वो लगा रहे हैं केक। आज की वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी लंबी दिखेगी, लेकिन प्लीज़ बोर मत होइएगा। आज की वीडियो में आप लोगों को देवरानी जी को भी दिखा दूँगी, जिसको आप लोग बोलते हो, कविता को दिखाइए। और यहाँ पर ये सारे बच्चे बैठे हुए हैं, हमने किसी को नहीं बुलाया था, सिर्फ बच्चे बच्चे को बुलाया था, क्योंकि माहौल ऐसा था कि इस टाइम में मैंने आपको जैसा बताया था कि कुछ करने की प्लानिंग नहीं थी, तो बस यहाँ पर सिर्फ बच्चे हैं और बच्चे के गार्जियन आए हैं। और केक कटने के बाद सभी चले गए थे, बस कुछ ही बच्चे रह गए थे, वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगी अभी। तो ये देखिए यहाँ पर बच्चों लोगों को केक दिया जा रहा है, और इसमें मैंने लगा दी थी वो क्या बोलते हैं, आइसक्रीम वाली चम्मच जो होती है ना, क्योंकि केक खाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और ये छोटू मोटू सा गोलू, ये है रीना दीदी, इनका बच्चा। और ये देखिए प्यारी सी क्यूट सी रम्या की बहन, मान्या नाम है इसका, बहुत प्यारी है ना, क्यूट लग रही है ना डॉल की तरह। और वाकई में ये है भी, देखो ना कितनी क्यूट है। और ये है बाबू, ये अंदर चला गया। तो बस यहाँ पर ये पूनम केक कट कट कर रख रही है, और ये बाकी लोग सब लोग ले जा रहे हैं। तो इसी तरीके से सब लोगों को दिया जा रहा था। मैंने कहा छोटी छोटी सी क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करनी, आप लोगों को दिखाना है, क्योंकि एक यही मोमेंट होता है ना जो हम सब लोग यादगार के लिए रखते हैं। तो खाने पीने के लिए बस ये दो दो चार एक पाँच, बस पाँच लोग ही बाहर से आए थे, और हमने किसी को नहीं बुलाया। देख लो आप, कन्या है, और जो इनके गार्जियन आए थे वो चले गए हैं, और वो नहीं खाए हैं, बस ये लोग खाए हैं बच्चे खाना, और इसके बाद फिर ये लोग भी चले जाते हैं। केक कट चुका है और बच्चे लोग खाना खा रहे हैं। क्या हुआ? क्या हुआ बताइए, हम नहीं बताएंगे। तो बस
बस खाना कर चुका, नहीं केक कर चुका है और खाना खा रहे सब लोग। मतलब नीलम को जाना है, वो खा रही है, बच्चे लोग खा रहे हैं। अभी सभी लोग बच्चे हुए तो मैंने कहा चलो आप लोगों को बता देती हूँ। बैक कैमरे से दिखा रही थी, आप लोग भी बोर हो गए होंगे, कुछ बोली भी नहीं हूँ ना। आज देख लीजिए अपनी मेरी देवरानी को जिसके लिए परेशान रहते थे। कौन है? कविता। पूछते हो ना आप लोग, कविता से मिलवाइए, कविता से मिलवाइए। तो आज मिल लीजिए मेरी नंद से, रेडी वेडी है ना। हाँ तो कर दो यार, कह रही है नंद से। अच्छा देवरानी से, सॉरी। हाँ तो कर दो। तो आप लोग बोल रहे थे ना मिलवाइए, तो आज मौका मिल गया मिलवाने का, क्योंकि यार सजी धजी है ना, सुंदर भी लग रही है ना। बहुत लोग पसंद करते हैं यार, झुमका मेरा चला जाएगा। क्या कर रहे हो तुम? देख लो अपनी, क्या लगे तुम्हारी? हम दोनों के ऊपर, हम दोनों के ऊपर बैलून रख रहे हैं, देख लो ऐसे है इनके जेठ जी, मेरे हस्बैंड जी। हाँ तो क्या हुआ यार, आजकल कौन लेता है ना। तो बस मिल लीजिए, हाँ तो कर दो यार, बहुत मिस करते हैं इसको सब लोग। जिस दिन नहीं आती ना, उस दिन कविता क्यों नहीं आई। तो चलिए थोड़ी देर से मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए क्या बाय। सुनो जा रही है। और आज कविता कैसी लग रही है बताइएगा जरूर। कविता ने ग्रीन साड़ी पहनी है और मैंने लाइट कलर की, कॉम्बिनेशन अच्छा है ना, लाइट और डार्क का, लाइट और डार्क है ना। तो चलिए बार बार बोल रही हूँ, थोड़ी देर से मिलती हूँ, पहले मेरी बिटिया रानी से मिल लीजिए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, आई है छोटी सी बाबू, आई है पली, आई है पली, परी आई है क्या? अच्छा परली आई है, परी आई है क्या? परी आई है क्या? पूछी दो, पूछी दो, दो। तो गाइस अभी बज चुके हैं रात के 10 और अभी ये देखिए हमारा खाना पीना नहीं हुआ, कविता का भी नहीं हुआ है, किसी का नहीं हुआ, हम चारों लोगों का और इनके दोस्त आए हुए हैं, वो लोग खाने जा रहे हैं और हम लोग बैठे हैं, है ना। क्या करें, बैठने का जमाना ही है। तो बस अभी जाएंगे, विक्रम आ जाए, विक्रम भी नहीं आया है। अब आप लोग पूछोगे विक्रम कौन, कई बार बताए हैं फिर भी बता देते हैं, इनके हस्बैंड जी मियाँ जी, मियाँ जी आ जाए, तब उसके बाद फिर सब लोग खाएंगे। मुझे तो बहुत तेज से भूख लग गई, कुछ मिल नहीं रहा है। केक 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 बिस्किट नहीं है, केक और बिस्किट लगा हुआ, आप लोगों को खाना है तो आ जाइए, केक है इसको जा रहे हैं हम खाने। लो खाओ यार, थोड़ा सा खा लो, केक खाओ, केक खाओ, केक खाओ। बाबू सो गई है, बस काफ़ी अच्छे से हो गया छोटा मोटा, ऐसी देवरानी होनी चाहिए है ना। लेते हैं फिर थोड़ी देर से मिलते हैं, जब खाना खाएंगे जब मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए, तब तक के लिए बाय। बहुत बाय हो गई, तो चलिए फटाफट से खा लेते हैं केक, फिर मिलते हैं। और इसके बाद अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, मैं, विक्रम, कविता, सब लोग। ज़्यादा लोग तो आए नहीं थे, बस वही 5 बच्ची खाना खाई हैं और मेरे घर वाले और जो इनके 2 दोस्त आए थे वो बस। और हमने नहीं बुलाया था ज़्यादा लोगों को, रीज़न मैं आपको जल्दी बताऊंगी। तो चलिए फटाफट से खाना खा लेते हैं, फिर आराम से आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं, ठीक है। तो गाइस खाना हो चुका है, रात के बज रहे हैं 11 और अब हमें क्या करना बताइए, ब्लॉग का एंड है ना। और किचन भी मैंने साफ कर दी, अभी दिखाती हूँ। ये देखिए दूध नहीं रखी, दूध नहीं ले चलोगे क्या? दूध वहाँ लोटे में रखा है। तो ये देखिए अभी दिखाते हैं आपको किचन, ये फ्रिज मेरी पूरी भर गई है, आज जगह ही नहीं है, खाना जो बचा हुआ है उसे रख दिया हमने, सुबह सोचा कि खा लेंगे। सुबह से कह रहे हैं मुझसे मशीन की तरह काम करवा रही है, बताइए कैसे काम कर रहे हैं, जानवर की तरह, जानवर की तरह काम करवा रहे हैं। बाप रे, देख लो पतरी वतरी लेकर खड़े हैं, है ना। नहीं बंद कर दिए, गैस बंद है। और तो बस, अरे भूल गई थी। तो बस ब्लॉग का इंडाज हम यहीं पे करते हैं, काफी थक गए हैं और चलते हैं, हमारा मेकअप रिमूव करते हैं। और कैसी लगी डेकोरेशन बताइएगा जरूर, छोटा मोटा सा फंक्शन किया हम लोगों ने खुद से, और वो भी आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा जरूर, ठीक है। तो यार मुझे ये बहुत प्यारा लग रहा है ये डेकोरेशन, आप लोगों को कैसा लग रहा बताइएगा जरूर, बार बार पूछ रही हूँ। तो मिलती हूँ अच्छे से ब्लॉग के साथ, ठीक है, गुड नाइट, बाय बाय।